हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा आज का टॉपिक है सोनाक्षी सिन्हा इंस्पायर्ड मेकअप लुक विद स्मोकी आई एंड लाइट पिंक लिपस्टिक शेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। जो भी मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं वो आपको लगाना है, जिससे कि फाउंडेशन के पैचेस ना आए। और इसके बाद आपको प्राइमर अपने स्किन पे लगाना है और प्राइमर लगा के 10 मिनट आपको छोड़ देना है। उसके बाद ही आप फाउंडेशन अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर मैं प्राइमर लगा के अपने स्किन को 10 मिनट ऐसे छोड़ दूँगी कि जिससे मेरा फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी ना हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगाऊंगी अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डाल के बहुत अच्छे से इसका पानी निकाल देना है। उसके बाद ही आप इस ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करिएगा। प्रोडक्ट की सारी डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो डैबिंग मोशन में आप अपने फाउंडेशन को सेट करिए, जिससे आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी पैची ना हो और ना ही केकी हो। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने फाउंडेशन को डैबिंग मोशन में सेट करिए अपने स्किन पे। इसके बाद आप कंसीलर लगाइए, जहाँ जहाँ आपको पैचेस लग रहे हो, ब्लैक एरिया लग रहा हो अपने स्किन पे, तो वहाँ पे आप कंसीलर को लगा के सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में स्किन पे सेट करिए। फ्रेंड्स, मेकअप का बेस लगभग हर मेकअप का एक होता है, बस ब्राइडल या प्रोवाल्टी मेकअप का थोड़ा सा बोर्ड होता है। तो यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत मेकअप नहीं लगाया हुआ है। तो मेन उनके मेकअप का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो उनकी आईज़ हैं, जो उन्होंने स्मोकी आई क्रिएट की हुई है। तो मेरे भी इस मेकअप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आईज़ मेकअप है, क्योंकि बेस मेकअप हर मेकअप का लगभग एक ही होता है। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। जिस भी डायरेक्शन में मेरी आईब्रोज़ हैं, मैं उसी डायरेक्शन में अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी। और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को ब्लेंड करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आपका मस्कारा ख़त्म हो जाए, तो उसके जो जिस पार्ट से आप मस्कारा लगाते हो उसको धो के आप अच्छे से रख लीजिए, और वो भी आपका आईब्रोज़ को ब्लेंड करने का बहुत ही अच्छा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको आईज़ मेकअप दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पास है। तो आपको क्या करना है, अपने काजल को, जो भी आप वाटरप्रूफ काजल यूज़ करते हो, उसे रफली अपनी आईज़ पे सेट करना है, जहाँ पे आप आईलाइनर लगाते हो। तो आप रफली इस काजल को सेट करिए। अगर आप जेल लाइनर जेल काजल से बनाना चाहते हो आप, तो उससे भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी काजल पेंसिल से बना रही हूँ। आप जेल आईलाइनर से अगर ये लुक क्रिएट करना चाहते हो तो हो सकता है। और उसके बाद आप ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करिए, स्मच करिए, जो भी करिए। तो क्रीज एरिया के ऊपर नहीं जाना है, क्रीज एरिया के ही नीचे आपको इस काजल को रखना है, और बहुत रफली लगाने के बाद आपको इसे ब्रश की हेल्प से सेट करना है, जिससे भी बिल्कुल भी कोई हार्शनेस ना आए और ना ही कोई लाइन रहे। तो लाइन ना रहे, इसके लिए मैंने फाउंडेशन, कंसीलर और कॉम्पैक्ट दोनों तीनों चीज़ें लगाई हुई हैं, तो कोई भी लाइन नहीं आएगी मेकअप के बाद। तो इन तीनों चीज़ों को ख्याल रखिए हमेशा मेकअप में, अपने आई मेकअप में, आई शैडो मेकअप में, तो कोई भी लाइन नहीं आएगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप ब्लेंड करिए। इसके बाद क्रीज ऊपर के लिए मैं हल्का सा ब्राउन शेड लूँगी,
और वो पूरी आईज के ऊपर लगाऊंगी। जहाँ से मेरा ब्लैक कलर ख़त्म हुआ है वहीं से ही मैं इस ब्राउन शेड को लेके ऊपर के क्रीज लाइन के ऊपर लगाऊंगी और इसे ब्लेंड करूंगी, जिससे कि आईज़ को एक नेचुरल लुक मिले। तो नेचुरल लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन शेड का भी यूज़ कर रही हूँ, और आउटर कॉर्नर पे आपको वी बनाना है। इसके बाद ब्लैक और ब्राउन दोनों आपको क्लीन ब्रश की हेल्प से आपस में ब्लेंड करिए, जिससे भी दोनों के शेड अलग अलग ना लगे। इसके बाद आपको नीचे की आंखों में वाटर लाइन पे और वाटर लाइन के नीचे आपको काजल अप्लाई करना है। थोड़ा सा थिक काजल ही आप लगाइए। और इसे आप एक ब्रश की हेल्प से स्मच करिए। बहुत अच्छे से स्मच करिएगा अपने नीचे के काजल को, और उससे उस काजल को आपको ऊपर वाले आई शेडो पे लाके मिलाना है। उसके बाद आप हाइलाइटर लीजिए और उसे अपने आईब्रोज के नीचे लगाइए, और जब भी आप ब्रश में आई शेडो या हाइलाइटर लीजिए तो उसे हल्का सा हटा लीजिए ब्रश से, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में आपकी वो आई शेडो वहाँ पे ना लगे। और आपको आईज़ के इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट लगाना है, हाइलाइटर लगाना है। इसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी, मैं विंग आईलाइनर लगाऊंगी यहाँ पे आज, क्योंकि मुझे नीचे का काजल और ऊपर का विंग लाइनर दोनों आपस में मिलाना है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, तभी मैंने काजल पहले ही अप्लाई कर लिया था, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाए। अब आपको कंटूरिंग करनी है अपनी फेस की, जिसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है। तो कंटूरिंग स्टिक या फिर आप आई शेडो पैलेट से भी कंटूरिंग कर सकते हैं। ब्राउन डार्क शेड, अपनी स्किन से डार्क शेड का आप कंटूरिंग कलर लीजिए और उसे कंटूर करिए अपने पार्ट्स को। इसके बाद आपको ब्लशर लगाना है, जिस भी कलर का ब्लश आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर का ब्लश लगा रही हूँ, और उसे भी बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है अपनी स्किन पे, कि फेस को एक नेचुरल लुक मिले। इसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक लगा रही हूँ, जिसका शेड मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये लिपस्टिक थोड़ा डार्क है, इसे अभी लाइट करने के लिए मैं इस पर कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, जिससे इस लिपस्टिक को एक मैट लुक मिले। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ अपने इस लिपस्टिक को लाइट करने के लिए और मैट करने के लिए। तो अगर आपको भी अपनी लिपस्टिक को मैट करना हो तो आप यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए